तो सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा पाँचवीं के ई लर्निंग हिंदी के स्काइप के लाइव क्लासेस में। हम लोग आज नन्हा फनकार जो पाठ है हमारा, उसके सही गलत करने वाले हैं। ठीक है, नन्हा फनकार कंप्लीट तो है लेकिन रिटन वर्क कंप्लीट नहीं था। रिटन वर्क में हमने केवल क्वेश्चन आंसर किए थे। क्या हमने सही गलत का निशान कर लिए थे? जल्दी बताओ, हमको सही गलत का निशान का बोर्ड वर्क हो गया है। थोड़ा जल्दी बताओ, फिर हम लोग इसको छोड़ करके किसने कहा करेंगे। नन्हा फनकार के सही गलत को क्या बोर्ड वर्क में किया है, बोर्ड में किया है, ये बताओ। क्या इसका बोर्ड वर्क हुआ है? दैट आई वॉन्ट टू नो। अच्छा, तो अगर बोर्ड वर्क हो गया है तो केवल एक ही चीज़ का बोर्ड वर्क बाकी है, वो है किसने किससे कहा, उसी को कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। बीच में चैट ऑप्शन कट गया था मुझे, इसलिए आपके मैसेज नज़र नहीं आए, इसलिए मैं शुरू कर बैठी थी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, अच्छा ठीक है। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, पहला प्रश्न। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, अच्छा, आरुष ने आंसर दे दिया है कि केशव ने अपने आप से कहा। ये किसने किससे कहा, यह जो है केशव ने, ये जो एरो के साथ मैं लिख रही हूँ ये उत्तर है। ठीक है, केशव ने अपने आप से कहा, अपने मन में कहा तो अपने आप से कहा। केशव ने अपने आप से कहा, ठीक है, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, ख नंबर, ये आप लोग किताब में है, थोड़ा देख लीजिएगा। मैं इसका स्टार्टिंग और एंडिंग लिख देती हूँ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बोर्ड पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और समय की भी बर्बादी होगी, इसलिए मैं इसका स्टार्टिंग और एंडिंग लिख देती हूँ। बेवकूफ खड़ा हो से लेकर कहाँ तक, जुर्रत कैसे की, बेवकूफ खड़ा हो से लेकर जुर्रत कैसे की, बेवकूफ खड़ा हो से लेकर जुर्रत कैसे की तूने करके, ये है। तो यह वाक्य किसने किससे कहा, ये वाक्य आप लोग किताब में खोज लीजिएगा बच्चों। केवल दो ही स्टूडेंट के आंसर मिल रहे हैं, आरुष और जन्नत। मैं मेरे बाकी स्टूडेंट से भी आंसर चाहती हूँ। मुझे बताइए, यह वाक्य किसने किससे कहा, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, यह वाक्य किसने किससे कहा। जेहान ने बताया, ठीक है, आरुष, जन्नत, सृजन, जेहान और बाकी सौम्यजीत, ओके।
पहरेदार ने केशव से कहा, वेरी गुड। आयुषी का भी जवाब मिल गया है, रजत नहीं नंदिनी ही बुलाएंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। यह वाक्य राजा महाराज अकबर के जो पहरेदार थे, उन पहरेदार ने जो है कहा, पहरेदार ने किससे कहा, पहरेदार ने केशव से कहा, पहरेदार ने केशव से कहा, केशव से कहा, पहरेदार ने केशव से कहा। आज अगर हम लोग ये वाला अभ्यास कार्य संपूर्ण कर लेते हैं तो हमारा रिटन वर्क अब तक हमने जहाँ तक पढ़ा था उसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस वगैरह कर पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है चलिए। उसके बाद नंबर ग, नंबर ग, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो द सेम, मैं पहला और अंतिम लिख रही हूँ। बादशाह के पास, ओके, से लेकर सीकरी में महल क्यों बनवा रहे हैं, सीकरी में महल क्यों बनवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है ये किसने की कहा है, केशव ने अपने पिता से कहा। हाँ आयुषी, ठीक है, बहुत सारे मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया है, वेरी गुड। क्या बात है, आज मुझे आदित्य का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्यों आदित्य बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यों आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, बताइए। ठीक है आदित्य, आपको टाइम दे रहे हैं। हाँ केशव ने अपने पिताजी से कहा, वेरी गुड, आई नीड द रिस्पॉन्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है तो चलिए लिखते हैं, केशव ने, केशव ने अपने पिताजी से कहा, केशव ने किससे कहा, अपने पिताजी से कहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है घ नंबर, तुम तो अभी इतने प्रसिद्ध हो गए हो, तुम तो अभी, आप लोग कॉपी में इस चीज को पूरा कंप्लीट करेंगे, इन सेंटेंसेस को फुल सेंटेंस में लिखेंगे। यहाँ समय की समय की बचत के वजह से और बोर्ड में स्पेस की वजह से, जिससे कि कैमरा के रेंज तक आए, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अच्छा लोअर पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है बेटा मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन आप लोग फुल सेंटेंस लिखेंगे, ओके, फुल सेंटेंस कॉपी में लिख करके रखेंगे, नहीं तो बाद में जब आप पढ़ने बैठेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा और किताब खोल करके बार बार देखना पड़ेगा, जिससे समय बर्बाद होगा। दैट इज वाई यू नीड टू राइट इट डाउन। घ नंबर, तुम तो अभी इतने प्रसिद्ध हो गए हो, तुम तो अभी इतने प्रसिद्ध हो गए हो, यह वाक्य किसने किससे कहा, ठीक है जवाब मिल रहा है,
पिता ने बोलने से नहीं होगा जन्नत, किसके पिता ने? पिता तो एक क्या है, पिता एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना पड़ेगा, केशव के पिता, यू हैव टू मेंशन हुज पिता, ठीक है? हाँ, केशव के पिता, यस जन्नत, राइट। तो द आंसर विल बी वेरी गुड, एवरी स्टूडेंट हैज स्टडीड वेल, केशव के पिता ने, केशव के पिता ने केशव से कहा, केशव के पिता ने केशव से कहा, केशव के पिता ने केशव से कहा, ठीक है? एंड द लास्ट वन, अंग, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं सीख ही लूंगा, जवाब मिल शुरू हो गए हैं, बताइए। वेरी गुड, यस शोमजीत, गुड आदित्य, वेरी गुड, ओके आर्योष, गुड जन्नत, इज वेरी गुड जन्नत, यू आर स्टडिंग वेरी वेल एट होम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए लिख देते हैं, बादशाह अकबर ने केशव से कहा, बिल्कुल सही उत्तर, बादशाह अकबर ने केशव से कहा, बादशाह अकबर ने केशव से कहा, ठीक है? ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके साथ यह पाठ पूरी तरह से हमारा ख़त्म होता है। नन्हा फनकार के सारे रिटर्न वर्क हमारे हो गए हैं, जहाँ चाह वहाँ राह के भी सारे रिटर्न वर्क हो गए हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल वह दिन भी क्या दिन थे नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसी पढ़ने के सिलसिले को हम लोग जारी रखेंगे। जब इसकी समाप्ति होगी तब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? फिलहाल दो एक बातें कर लेते हैं आप लोगों से, बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या विद्यालय को मिस भी कर रहे हैं या यही अच्छा लग रहा है? मिस कर रहे हैं ना? देखा, मेरे विद्यार्थी बहुत ही अनुशासित हैं और वे विद्यालय आना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? अच्छा, हाँ आरुष बेटा, आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है? ये स्कूल की याद आ रही है, अरे वाह, आयुषी तो हिंदी में टाइप कर रही है, वेरी गुड। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग ज़रा अपना प्रेजेंट मुझे दे दीजिए, कौन कौन है ज़रा पी लिख दीजिए, मैं थोड़ा नोट डाउन कर लूँ, ठीक है?
सबसे पहला प्रेजेंट किसने दिया? दीपिका। अच्छा, एक सेकेंड मैं नोट कर लूँ। दीपिका, आयुषी, सौम्यजीत, आयुष, आरुष, अच्छा, आदित्य, जन्नत, सृजन, रजत, कौन कौन है? कन्नन। अच्छा, कन्नन आज रिस्पॉन्ड नहीं की तो हमें लगा कन्नन आई नहीं है। अच्छा, कौन कौन है फिर एक बार देख लेते हैं। हाँ, सोमोजीत का भी स्कूल जाने का मन कर रहा है ना बेटा। हाँ, हम लोगों को भी बहुत याद आती है बच्चों, आप लोगों की। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, तो आज मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।